एके मिश्रा साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसने इस बार बीजेपी को ठीक ठाक वोट नहीं किया, क्या तो आपका परिवार जितना बढ़ता है जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है? मिश्रा जी, मैं उसमें एक ऐड करूंगा कि जिम्मेदारी थोड़ी बहुत नहीं बढ़ती है, जिम्मेदारी और अपेक्षाएं जनता की, पब्लिक की, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती है जी। ये 1.5 साल में पब्लिक की अपेक्षाएं ये है कि उत्तर प्रदेश को वाकई में स्वर्ण भूमि बना दिया जाए। और एक चीज मैं और बताऊंगा, अगर बीजेपी को देखा जाए तो जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसका पूरा गर्भगृह जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली हो गया है, चाहे वो बीजेपी ने जानबूझ के किया हो या ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये खुशी की बात है, सुख अमन और चैन की बात है कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र अब दिल्ली नहीं है, वो यूपी है। और 1.5-2 सालों तक 2024 तक गहमा गहमी यूपी से होगा, यूपी से सिद्धांत निकलेंगे और पूरे देश में वो प्रतिपादित होंगे, उनको जमीनी हकीकत आमा जामा जो पहनाना होता है ग्राउंड पर पहनाया जाएगा। आपका दूसरा सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी बड़ी इनकी जीत हुई है ना, उससे कई 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 गुना बड़ी इनके ऊपर जिम्मेदारियों का भार आ गया है जी। अब बीजेपी क्या करेगी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि विकास के जितने काम है ये 1.5-2 साल में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम होंगे, उतने 70-80 सालों में नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, सारे हाईवे कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जितने भी उत्तर प्रदेश आज के 15-16 साल 18 साल पहले, मैं बताऊं प्रयागराज से दिल्ली आने का केवल एक हाईवे होता था, आज की डेट में दिल्ली से प्रयागराज या गोरखपुर जाने के 3-3, 4-4, 6-6 लेन के हाईवे बने हुए हैं। जी हाँ, ग्रामीण अंचल में जो शहरें हैं, जो सेकंड लेवल पे जो रोड आती हैं, वो सारे के सारे जो पहले 2 वे थे अब वो 4 वे हम लोगों के गांव में भी हो गए। हर गांव तक नल, कल, जल, रोशनी, सोलर सिस्टम, ये सब पहुंच जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने बोला कि यूपी 2 में, योगी 2 में, मोदी 3, ये बात आपकी टाइटल बड़ी सही है, उसके पीछे एक कारण है। 2024 की जो चुनावी नैया है ना बीजेपी के, उसके खेवैया अब योगी जी ही बनेंगे, उनको नकारा नहीं जा सकता है। बाई डिफॉल्ट का कद इतना स्ट्रांग हो गया है कि बीजेपी माइनस योगी करके इनके कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये परसेप्शन है। और रहे जी मिश्रा जी, स्वाभाविक है, गठबंधन परमार्थ की इच्छा से नहीं होता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, इस कामना के लिए तो गठबंधन नहीं होते। गठबंधन तो बहुत प्रैक्टिकल जमीन पर खड़े होके होते हैं कि भाई हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमको क्या दे सकते हैं, उसी पर रास्ता निकल जाता है। जैसा कि निषाद पार्टी कह रही है कि भाई डॉक्टर संजय निषाद को डिप्टी सीएम, भाजपा के अपने जातीय समीकरणों की विवशता सामने होती है हर पार्टी के साथ, और जब वो इतनी बड़ी मेजोरिटी लेके आई हो तो स्वाभाविक है, हैं? तो कितने डिप्टी सीएम हो सकते हैं? और एक निषाद पार्टी से बने तो फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी से क्यों नहीं बनेगा? केवल यहीं तक नहीं है, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का भी नहीं, बीजेपी में अंदर अंदर किसी भी पार्टी में कई गुट होते हैं, तो वहां पे भी कई लोगों आवाज बाहर आए या ना आए, लेकिन इस तरह की जद्दोजहद तो वहां पे भी चल रही है। हमें बनाइए, हमारे उसको बनाइए, हमारे नेता को बनाइए। मैंने जस्ट पहले फेज में ये बोला था कि अपेक्षाएं थोड़ी सी ज्यादा नहीं होती है, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। उसका एक लाइव उदाहरण आपने निषाद पार्टी के प्रवक्ता महोदय से आपने सुन लिया, इसका कोई मायने नहीं होगा, उसके पीछे कारण है। एक तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, इन लोगों के चले जाने से, अगर मैं ब्लंट वे में भी, चले जाने से भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और ये इतने बार्गेन की कैपेसिटी में नहीं है कि डिप्टी सीएम के पद को ये बार्गेन कर ले। मार्जिन का गेम होता तो माना जा सकता था, तो मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न ही रहेगा। डिप्टी सीएम बीजेपी के ही हार्ड कोर जो नेता होंगे, जो उनका नेतृत्व चुनेगा, वही होगा। हाँ, डेफिनेटली इस चीज को बोला जा सकता है कि कुछ एक अच्छा पोजीशन, कोई कैबिनेट मिनिस्टर। समझ गया, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि भाई जैसे चलन होता है ना कि तोप का लाइसेंस मांगो है तो डबल बैरल का तो मिल ही जाता है, और डबल बैरल का मांगोगे तब तो नेल कटर दे देगा आदमी,
है ना मिश्रा जी, ये कह रहे हो? रामपुरी चाकू पकड़ा देते हैं, हाँ बोलते वही। भैया टोस्ट हाँ कर। यह बताइए, चाकू से आदमी सब्जी काटेगा कि क्या करेगा, जबेदे। मिश्रा जी, कई बार चुनाव में हम विजयी हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए हुए मुद्दे अपना वजूद बनाए रखते हैं, और जब हमको फिर अगले चुनाव में लगातार जाते रहना है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, तो उन मुद्दों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। मैं एक उदाहरण रखता हूं, ये जो पोस्टल बैलेट है, इसने भी उत्तर प्रदेश में, इस बार का चुनाव तो कीर्तिमानों के लिए था, केवल सरकार बनाना तो उसका बाई प्रोडक्ट निकल आया, उप उत्पाद। मुझे लग रहा मूल उसका मामला था कीर्तिमान रचना, एक कीर्तिमान पोस्टल बैलेट में भी रच गया। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल रखना होगा 24 के इलेक्शन में जाने से पहले, या स्थानीय निकायों के इलेक्शन में जाने से पहले, कि ये पोस्टल बैलेट क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बड़ा प्रोफेशनल है, ये माइक्रो लेवल पे हर चीज की कैलकुलेशन करके रखते हैं, जहां पे कि बूथ मैनेजर, पन्ना प्रमुख और उसके नीचे भी अगर कोई इकाई हो, इतने माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा उनके संज्ञान में नहीं रहा होगा या इलेक्शन के बाद नहीं आया होगा और वो उस पर सोच नहीं रहे होंगे, स्पेशली 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि वहां तो पैन इंडिया लेवल पे पोस्टल बैलेट वाला चलता है। एक बात जो आपने बोली वो बड़ी प्रासंगिक है, वो ये है कि कुछ मुद्दे हमेशा उपयोगी रहते हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं, चाहे वो जीते हो हारे हो। सबसे सोचने वाली बात, जरा एक मिनट का टाइम दीजिएगा, बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल एक मुद्दा है, मैं मानता हूं भाई हर आदमी उससे परेशान है, असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, सारी चीजों के दाम कम हो जाते हैं, बढ़ गए तो बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है, पिछले 60-70 सालों से रोजगार और नौकरियां एक मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई एक मुद्दा है, ये सारे मुद्दे बड़े जेन्यून मुद्दे इन्होंने उठाए थे। अब सोचने वाली बात क्या है, हर वोटर इन मुद्दों के गिरफ्त में है, परेशान है और महसूस करता है, महंगाई को हर आदमी महसूस करता है कि चीजें महंगी हो गई। इसके बाद भी उसने जो ये दुनियावी मुद्दे है ना, उन मुद्दों का त्याग क्यों कर दिया और आसमानी मुद्दों की तरफ क्यों झुक गया, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आसमानी मुद्दे थे। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए, मैं आप क्लियर कर देता हूं, उसके पीछे कारण है। आज अगर वोटर ने दुनियावी सारे मुद्दे, महंगाई ये वो, अपने व्यक्तिगत हित को जो है त्याग दिया, तो उसके पीछे कारण ये है, महाराणा प्रताप को भी यही लालच दिया गया था, मनसबदारी ले लो, हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन तुम जो है हमारा साथ दो, समर्पण कर दो। ऐसे बहुत उदाहरण पड़े हैं, एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप ने ना कर दिया। देश की जनता के लिए मुद्दा क्या है, आज की महंगाई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा सोच रही है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, वो आसमानी मुद्दे क्या होंगे। आप ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का मतलब सड़कें सुरक्षित है कि नहीं है, दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, फर्क को समझना पड़ेगा। वोटर वोटर क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है दुनिया की चीजों। मिश्रा जी, ठीक मिश्रा जी, ये बात मैंने ठीक कही, जितनी जल्दी हो जाए दोनों की सेहत के लिए अच्छा है, वरना वरना जो निषाद हमेशा पैदा पानी में हुआ और जीव जिया पानी में, पानी कहीं टिकता है मिश्रा जी? बात पानी तो पानी बहता रहता है, ध्यान रखो। नहीं, क्योंकि ये पानी वाले पार्टी है ये, तो मैं इनको सुझाव ये दूंगा ना कि जिस बर्तन में है आप, लोटे में, गगरी में, गिलास में, आप उसी के शेप के हो जाइए। अदरवाइज अनुप्रिया पटेल का एक उदाहरण देखिए, एक बार गठबंधन हुआ था और अगली बार गठबंधन नहीं हुआ। आप अपने आप को मजबूत करिए, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सारी पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, खैर एक डिमांड है, आप कर सकते हैं, महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री बने और ये सारी चीजें, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के भीतर आपकी अति महत्वाकांक्षा एक विद्रोह का रूप ले ले या एक मनमुटाव पैदा हो जाए वहां पे। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाता दिखाई देता है, एक सम्मान के रूप में यथोचित सम्मान सहयोगी पार्टियों को जरूर दिया जाएगा। जी ठीक बात, लेकिन ऐसा कोई अचीवमेंट मुझे नहीं दिखाई देता है। छोटा सा 20 सेकंड का